हाय गाइस बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सलमान खान सर की आने वाली फिल्म दबंग फोर फिल्म बनेगी या नहीं मैं दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप भी अगर बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान सर के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट भट से सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूलें तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते वैसे तो दोस्तों सलमान खान अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं जिनमें से सबसे पहले फिल्म आने वाली है राधे उसके बाद दूसरी जो फिल्म आने वाली है वो तो ज़बरदस्त फिल्म है और उनका लुक तो नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों अंतिम जो कि दो तीन दिन हफ्ते पहले ही उस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी और दोस्तों उस फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है उसमें सलमान खान सर का जो रोल रहने वाला है वो बहुत ही दमदार रहने वाला है और दोस्तों जो लुक सामने आया है वो तो नेक्स्ट लेवल का है लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबंग पार्ट वन सुपर हिट हुआ था दबंग टू ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी लेकिन दोस्तों दबंग थ्री फिल्म को इतना रिस्पांस नहीं मिला था पब्लिक्स की तरफ से तो फैंस चाहते हैं कि क्या दबंग फॉर फिल्म बनेगी या नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दबंग फॉर फिल्म बनेगी लेकिन दोस्तों इस फिल्म के अंदर सलमान खान एक अलग फिल्म करते होंगे ऐसा नजर आएगा जी हाँ दोस्तों ना ही इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं प्रभु देवा इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं रोहित शेट्टी जी हाँ दोस्तों इससे पहले रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्सल में हमें सूर्यवंशी सिंगम और सिम्बा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्शन दे चुके हैं और दोस्तों दबंग फॉर फिल्म के लुक के बारे में बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान का स्टाइलिश लुक रहेगा ना ही इस फिल्म के अंदर उनकी मूछ रहने वाली है और दोस्तों कैरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म के अंदर उनका धाकड़ कैरेक्टर रहेगा जिस तरह से वॉन्टेड फिल्म में रहा था और किक फिल्म में रहा था कुछ इस तरह का कैरेक्टर दबंग फॉर फिल्म के अंदर करते नजर आएंगे और दोस्तों रज्जो के रोल नहीं रहेगा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म के अंदर रहेगा रहेगी लेकिन दोस्तों रज्जो का रोल करती नजर नहीं आएगी इस फिल्म के अंदर सलमान खान की गर्लफ्रेंड का रोल करती नजर आएगी और इस फिल्म के अंदर सलमान खान टपोरी स्टाइल के रोल करते नजर आएंगे दमदार डायलॉग रहेगी और सॉन्ग भी रहेगा और दोस्तों जींस टी शर्ट वैसे लुक में दिखाई देंगे सलमान खान हाथ में ब्रेसलेट भी रहेगा और दोस्तों इस फिल्म की जल्द से जल्द ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी लेकिन सलमान खान उनकी आने वाली कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है जिनमें से राधे की शूटिंग कंप्लीट कर दी है अब अंतिम उसके बाद कीक टू टाइगर जिंदा द थ्री कभी कभी दिवाली और दोस्तों उसके बाद दबंग बंग फिल्म की शूटिंग करेंगे यानी लगभग यह या फिल्म ईद दो हजार रिलीज होगी तो दोस्तों आप सलमान खान की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और दोस्तों ऐसे ही सलमान खान सर की आने वाली फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल बी टाउन आपको सब्सक्राइब कर दे